मेरे दोस्तों, चलो फेसबुक से कैसे लॉग इन करते हैं वो भी सीख लेते हैं। उसके बाद तुम लोग को मैं होमवर्क दूंगा, लिंक्डइन या गिटहब या और कोई सर्विस से कैसे लॉग इन करेंगे। ठीक है, अभी अपन फेसबुक से देख लेते हैं, गूगल से ऑलरेडी देख लिया है, चलो फेसबुक से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग आओगे पासपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पे फेसबुक पासपोर्ट डैश फेसबुक लिखा है, यहाँ पे क्लिक करना और ये गिटहब और ये इस पेज में अपने को रिडायरेक्ट कर देगा। तो बेसिकली अपने करना है npm इंस्टॉल पासपोर्ट फेसबुक, तो अपने को इस डायरेक्टरी में करना है, अपने सर्वर वाली डायरेक्टरी में, क्लाइंट डायरेक्टरी में मत करना, बेसिकली जो फोल्डर प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी होगी उसमें करना। तो यहाँ पे अपन को सिंपली लिखना है npm इंस्टॉल, ये आप कॉपी करते हैं इसको एंड फटाक से यहाँ पे बूम एंटर करते हैं और इंस्टॉल हो जाने दो उसको फटाफट। जब तक इंस्टॉल होगा अपन तब तक उसका वेट नहीं करेंगे, देखते हैं कैसे यूज करना है। ओके सो या ये सब तो पहले कर चुके हैं अपन। यस यस ओके, तो वैसे ही करना है बेसिकली। ओके चलो चलते हैं अपन अपने कोड पार्ट में और सारे फाइल्स को मैं क्लोज कर दूंगा। अब सबसे पहले तो सर्वर साइड पे अपन कोड लिखेंगे, राइट। अब कोई मेजर कोड नहीं है कि हाँ ये पासपोर्ट वाली फाइल है इसमें अपने को लिखना है, राइट। ओके सो अपन ने यहाँ पे पासपोर्ट से गूगल स्ट्रेटेजी इम्पोर्ट की हुई है, सो अपन यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाने दो, उसके बाद रिक्वायर करते हैं सबसे पहले फटाक से। ओके सो आई गेस इंस्टॉल हो गई। ओके ऑसम। हाँ तो यहाँ पे जहाँ पे गूगल लिखा था यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट नाम। बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन में नाम क्या दे रहे हैं लोग, नाम को देने से कुछ मतलब नहीं है, बट अगेन फिर भी अपन वही नाम देंगे फेसबुक स्ट्रेटजी। ओके कंट्रोल सी करता हूँ मैं इसको। ओके कंट्रोल वी फेसबुक स्ट्रेटजी, नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। रिक्वायर पासपोर्ट फेसबुक एंड डॉट स्ट्रेटजी लिखना पड़ेगा, राइट। डॉट डॉट यप स्ट्रेटजी और सेमी कॉलम, या नहीं भी दोगे तो चलेगा सेमी कॉलम। अब कुछ नहीं करेंगे, पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे अपन, क्योंकि ऑलरेडी अपन गूगल साइनअप में सब समझ चुके हैं, राइट। तो अपने को ये डालना है ऑब्वियसली 100%, ये तो डालना ही पड़ता है, राइट। तो इसको करता हूँ मैं कंट्रोल सी। ओके यहाँ पे जहाँ पे ऐप डॉट यूज, जहाँ पे ये गूगल का है उसके नीचे ही अपन डाल देते हैं फेसबुक का भी, ठीक है। खत्म कहाँ हो रहा है वाला बेसिकली ऐप डॉट यूज, तो पूरा एंड तक जा रहा है, चलो ठीक है। कंट्रोल वी, यहाँ पे कमेंट डाल लेना फॉर फेसबुक। ओके फॉर फेसबुक, अब न्यू फेसबुक स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपने को ऑब्वियसली डालना पड़ेगा, या पे डालना पड़ेगा। तो अपन ऑब्वियसली कीज फाइल में जाते हैं अपने और ये दो फाइल्स बनाते हैं, ठीक है। ओके सो कीज कहाँ गए, क्लाइंट फोल्डर को अभी क्लोज कर 2 मिनट के लिए, और अपने को कॉन्फिग और यहाँ पे रही कीज और डेव डेव वाली कीज, राइट। ओके यहाँ पे कौन सी ये दो आईडीज है, चलो फेसबुक ऐप आईडी और फेसबुक ऐप सीक्रेट। ओके डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है यहाँ पे। मे बी हाँ सो मैं भी कंट्रोल वी करूँ, फेसबुक ऐप आईडी कैपिटल में दें, दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फेसबुक ऐप आईडी और यहाँ पे अपने को उसको आईडी देनी पड़ेगी, राइट। ओके कोर्स में अभी एम्प्टी रखो, बाद में अपन डॉक्यूमेंटेशन पे साइन अप करके फेसबुक डेवलपर कंसोल पे वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी। हाँ कैपिटल में भी दे सकते हो, जैसा भी नाम देना चाहो, नाम तो नाम है, अरे क्या हुआ, कंट्रोल सी तो किया था मैंने, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ओके और सर एम्प्टी हो गया, अभी आईडी भरेंगे, रख जाओ सबसे पहले लिख लेना। तो ओके सो ये हो रहा है लोकल होस्ट, इसको डोमेन को अपन हार्ड कोड नहीं करते हैं, अपन को सिर्फ लिखना है ऑथ फेसबुक कॉल बैक, ये राउट अपने को बनाना पड़ेगा, राइट। ओके ऑसम। हाँ अब क्या है, ये सब है, ठीक है। इसको अपन डन बोलते हैं, DONE डन। ओके और उसके बाद ये जो फंक्शन है, अगेन अपन इसको अपने फंक्शन के साथ रिप्लेस करते हैं जो हम लोगों ने बनाया था, राइट। ओके सो यहाँ पे है ये, कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे। तो ये कौन सा ब्रैकेट है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट, देखो इसका ध्यान देना ब्रैकेट्स का। सो गूगल स्ट्रेटजी, ओके ठीक है। ये जो फंक्शन है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से शुरू हो रहा है जो यहाँ से, और बेसिकली कहाँ गए, यहाँ तक है, ठीक है। ठीक है कंट्रोल सी करता हूँ मैं इसको, और यहाँ से जो कंसोल डॉट लॉग है हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है, तो जस्ट टेस्ट के लिए देख रहे थे। तो और यहाँ पे जो फंक्शन है बेसिकली ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, यप यहाँ पे। ओके सो कंट्रोल वी हम लोगों ने जो बनाया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पेस हटा दो। ठीक है यप सो इस पार्ट में कोई चेंज आई गेस नहीं होगा, यप या मे बी सेव करते हैं, या मे बी होगा, यप होगा। सो एक चीज अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे फाइंड वन और यहाँ पे अपन गूगल आईडी लिखी है, राइट। तो यस अपन नाम वही दे सकते हैं, गूगल आईडी रख सकते हैं, है ना। तो फेसबुक गूगल साइन अप करा है तो गूगल आईडी, फेसबुक साइन अप करा तो फेसबुक आईडी, वेल फेसबुक आईडी लिखें, तो ऐसा लॉजिक होना चाहिए था, तुम लोग को लग रहा होगा। नहीं बेसिकली ये जो फील्ड है ये हम लोगों ने बनाई है, राइट, है ना। तो फेसबुक से भी साइन अप करा है तो गूगल आईडी
ऐसे नाम हो सकता है, बट ये देना सही नहीं है मेरे को लगता है। तो अपन यहाँ पे आते हैं अपने मॉडल पे, यहाँ पे हमारा कहाँ है मॉडल, राइट। अब हो सकता है ये जो आईडी है ये गूगल से साइन अप करेगा तो गूगल की आईडी इसमें साइन होगी, और अगर फेसबुक साइन अप करेगा तो फेसबुक की आईडी साइन होगी। तो मे भी इसको कुछ एक जनरल नाम दे देते हैं, ठीक है, मे भी कुछ जनरल, तो मे भी यूजर आईडी, ठीक है, यूजर आईडी, ठीक है, सेव करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, अब बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा बेसिकली हम लोग को। तो यहाँ पे अपन ये जो है यहाँ पे यूजर आईडी लिखना पड़ेगा, इसको कॉपी करता हूँ मैं, सेम नाम रखना है, कंट्रोल सी एंड यप, यहाँ पे सेम नाम देना है अपने को, कंट्रोल। सबसे पहले तो देखें कि ये गूगल आईडी कहाँ कहाँ पे और लिखा हुआ है, ठीक है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, अरे बाप रे इतनी जगहों पे लिखा हुआ है, तो जहां जहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, गूगल आईडी चार जगहों पे बेसिकली लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको बेसिकली अपने को डिलीट करना है, उसको रिप्लेस करना यूजर आईडी से, ठीक है, क्योंकि अब एक जनरल आईडी होगी। हो सकता है यूजर गूगल से लॉग इन किया, फेसबुक से लॉग इन कर रहा है, तो यहाँ पे इन जनरल अपन यूजर आईडी लिख रहे हैं, राइट। यूजर आईडी में असाइन, अगर फेसबुक से साइन अप कर तो फेसबुक वाली आईडी असाइन होगी, ठीक है, देख रहे हो, है ना, और अगर गूगल से लॉग इन कर तो गूगल वाली आईडी असाइन होगी, राइट। ओके ऑसम, इन जनरल, तो या सो सही है, अब सही है आई गेस। और कुछ लॉजिक है, क्या एग्जिस्ट करता है तो ओके ठीक है, एज नहीं करता तो न्यू यूजर क्रिएट होगा एंड देन ओके आई गेस। सो दैट्स प्रीटी मच इट, ये लॉजिक सही है। ओके बेसिकली ये जो है बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अभी कीज भी यहाँ से, अब यहाँ पे कीज लिख लेते हैं, राइट। ओके कीज इंपोर्ट कर रहे हैं ना अपन, कीज डॉट फेसबुक, क्या हुआ सेव नहीं किया क्या मैंने इसको, सेव कर लेते हैं, ठीक है। फेसबुक ऐप आईडी है ना, यहाँ पे क्या डालना है, कंट्रोल जेड करता हूँ, फेसबुक ऐप आईडी ना, ओके ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं KEYS कीज डॉट फेसबुक ऐप, सेशन क्यों नहीं आ रहा है साला, कॉपी कर इसको यहाँ से, फेसबुक कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ पे कीज डॉट बूम, है ना, कीज डॉट ऐसे ही लिखते थे ना, हाँ ऐसे ही लिखते हैं ना यार, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा थोड़ा, डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना लिख लूँ, कंट्रोल सी, क्योंकि फिर एरर सॉल्व करने पड़ेंगे ना, गलत लिखूंगा। तो यहाँ पे सिंपली KEYS डॉट लिख लेता हूँ, नाम तो अपन ने सेम दिया है, क्योंकि हाँ कीज इम्पोर्ट कर रहे हैं ना ऊपर में, है ना, तभी ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं, ओके राइट, ओके ऑसम। सो आई गेस ओके, सो अपन ने फेसबुक स्ट्रेटेजी बना ली है, से इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इतना ही चेंज होगा। आप डेटाबेस में अगेन डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि यूजर आईडी से अब सेव नहीं होगा, डिलीट कर दो इसको, नया यूजर साइन अप करेंगे, एक बार गूगल से करेंगे एक बार फेसबुक से करेंगे, ठीक है, ओके ठीक है, रहने दो उसको। यप, और दूसरा है कि अब ये राउट बनाना पड़ेगा, कहाँ है राउट, कहाँ कहाँ ये रहा, ऑथ गूगल कॉल बैक, ओके कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल सी अपने ऑथ राउट्स पे आ जाओ, ठीक है, अब यहीं इसी के नीचे बना लेते हैं, ठीक है। So, इसको मैं करता हूँ आर शिफ्ट डाउन की, और इस कॉल बैक को मैं रिप्लेस करता हूँ कंट्रोल वी से, ओके से भी अपने को क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। अब यहाँ पे गूगल के जगह आई गेस फेसबुक लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा है उसने यहाँ पे, यप ऑथेंटिकेट, ये देखो ऑथ कॉल बैक वाले में ऑथेंटिकेट, और इसने लिखा है फेसबुक, राइट ऑसम, ठीक है, कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। FACEBOOK, फेसबुक नाम सही है ना, यहाँ पे नाम दोनों का सेम होना चाहिए, फेसबुक फेसबुक सही है, ओके। एक और राउट बनाना पड़ेगा ना, ये वाला ऑथ वाला है ना, यहाँ पे बनाया है ना इसने भी, ओके ये बनाया है रा, ओके सो इसको कॉपी करता हूँ मैं इतना, कंट्रोल सी हाँ और कंट्रोल वी, और बेसिकली यहाँ पे अपन को ये ऑब्जेक्ट भी दे रहे हैं, चलो स्कोप ही प्रोफाइल और ईमेल एक्सेस कर रहे हैं अपन, ठीक है, कंट्रोल सी और कहाँ गया, कुछ और कर दिया मैंने शायद, कंट्रोल सी और यहाँ पे देना है, राइट ओके फेसबुक कॉमा, ओके कॉमा, और यहाँ पे है ना ऐसे ही दिया है ना, गूगल के बाद कॉमा देके और ये वाला खत्म तब हो रहा है, ओके स्कोप कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, ओके इसमें भी सेम, हाँ तो बेसिकली ऑथ गूगल पे जाएगा, तो और तो गूगल पे जाएगा तो साइन अप हो जाएगा बेसिकली, अपने को ये एक्सेस करना, उसके बाद एक कॉल बैक फायर होगा, और अगेन सब सही है। अब बेसिकली अपने को ये अपने को प्रॉक्सी में भी डालना पड़ेगा अपने रिएक्ट वाले, वो अपने यहाँ रिएक्ट वाले फ्रंट एंड में, राइट क्लाइंट पे आते हैं और बूम कहाँ गया, अरे ये नहीं प्रॉक्सी वाला कुछ डाला था ना हम लोगों ने, सोर्स के अंदर एक्शन सब क्लोज कर दो यार, बहुत बहुत लाइक टू मच ऑफ द फाइल हो गया यार ये सेटअप प्रॉक्सी, ओके
सो मैं भी यहाँ पे ऑथ स्टार लिख दूं मैं इसमें भी, ठीक है, ऑथ स्लैश स्टार लिख देता हूँ, भले फेसबुक हो या गूगल हो, जो भी हो, अगर ऑथ करके है तो उसको इस पे रिडायरेक्ट कर दे, ठीक है, ओके। हाँ, और एपीआई सही है, हाँ आई गेस सो, दैट्स इट। लेट्स सी दिस अगेन, लाइक फिर से चलते हैं अपन ऑथ राउट पे। अब इसको अपने को बेसिकली वहां पे डालना पड़ेगा, ऑथराइज करना पड़ेगा। अब ऐप अपन ऐप अपने को ऑब्वियसली फेसबुक का ऐप क्रिएट करना पड़ेगा और उस पे ऑथराइज रिडायरेक्ट यूआरआई डालना पड़ेगा, राइट? ओके, ऑसम। चलो आई गेस इतना ही लिखना है अपने को, और अपन इसको ऑथ स्लैश फेसबुक के, रुक जाओ, पहले ऐप क्रिएट कर लेते हैं फेसबुक डेवलपर्स पे। तो फेसबुक फॉर डेवलपर्स, सो फेसबुक फॉर डेवलपर्स में जाओ, ठीक है, यहाँ पे आई गेस ऐप क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट ऐप पे क्लिक करते हैं, राइट? ओके, सो मे बी CNQAUTH ऑथ क्रिएट ऐप, ठीक है, ओके, सो प्लीज कंप्लीट सर्वे, ओके, आई एम नॉट रोबोट, सबमिट, यप, सो सबमिट हुआ, ओके, सो क्रिएट हो गया बेसिकली। या सो मेरे को इसमें से सिर्फ ये फेसबुक लॉग इन डालना, राइट? तो इसमें सेटअप करते हैं फेसबुक लॉग इन, ठीक है, प्रोडक्ट्स में जाके भी तुम लोग कर सकते हो, या यहाँ पे वेब के लिए, यस वेब के लिए साइट ऑफ, ओके, सो लोकल होस्ट 5000, यस, http://localhost। अब देखो जब तुम लोग डिप्लॉय करो तो वैसे ये सब चेंज करना पड़ेगा, राइट? ओके, सो यस, ऑब्वियसली ये सब अंडरस्टूड होगा तुम लोग, अभी तो ये सब समझाने की मेरे को जरूरत नहीं है। सेटअप क्या लिखा है, सेटअप फेसबुक HT के सब की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, ये भी जरूरत नहीं है इसकी भी, नीचे आओ, नीचे आओ, ये सब क्या है, नेक्स्ट कर, ये सब नेक्स्ट करो, ये सब की जरूरत नहीं है, बस ओके, ठीक है, हो गया। अब बेसिकली अपने डैशबोर्ड या सेटिंग में आना और यहाँ बेसिक पे क्लिक करना, ठीक है, अब मेरे को लगता है ये रहा है ID, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, कहाँ गया हमारा डेव, और यहाँ पे करते हैं Ctrl+V, ठीक है, हाँ, और इसको करते हैं fsecret show, तो मेरा पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया और उसके बाद ये आया है कॉपी करने के लिए, Ctrl+C। तो पासवर्ड के टाइम मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर बंद कर दिया था, पता चला तुम लोग मेरा पासवर्ड देख लो और हैक कर दोगे मेरा फेसबुक, तो बहुत मारूंगा ऐसा करने की कोशिश की है तो सेफ नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे होशियार बनते हैं, कर सकते हैं, ओके, यप, सो और क्या करना है अपने को इसमें, और तो मेरे ख्याल से सब ऑप्शनल है, लेट्स सेव दिस आई गेस, ओके, राइट, सेव करते हैं इसको। ऑथराइज रिडायरेक्ट यूआरएल नहीं डाला है हम लोगों ने, राइट? सो यहाँ पे फेसबुक पे आते हैं और इस पे लॉगिन पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं, ऑथराइज रिडायरेक्ट डालने का ऑप्शन होगा, राइट? ओके, ये रहा वैलिड ओऑथ रिडायरेक्ट यूआरएल, तो अपने को यहाँ पे क्या डालना है, अपने को यहाँ पे डालना है http://localhost:5000/auth/CA:CALLBACK। आई गेस यही था, आई एम नॉट श्योर, रुक जाओ, यहाँ पे चलते हैं अपन अपने ऑथ राउट्स पे, ये पीए वाला है, Ctrl+C, ओके, एंड यप, सही लिखा है ना मैंने, Ctrl+V करके देखो, HTTP auth, अरे रे गलत डाला है, Ctrl+C, एडिट क्यों नहीं होता है यार, ये एडिट का ऑप्शन नहीं रखा है इन लोगों ने, बहुत गुस्सा आता है मेरे को, http://localhost:4000/Ctrl+V, एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई, रुक जा रुक जा, ओके, auth फेसबुक कॉल बैक http://, देखो ट्रिपल चेक कर लो फिर अगेन, नहीं तो फिर से लिखना पड़ेगा, http://localhost:5000/auth/facebook-callback, यप आई गेस यही है, ठीक है, ये मेक श्योर करना ये दोनों ऑन होंगे, ऑब्वियसली अपने आप ऑन हो जाएंगे, ठीक है, ओके, सो बस मेरे ख्याल से सेव करते हैं, आई गेस दैट्स इट, ओके, तो क्या रह रहा है, लोकल रीडर ऑटोमेटिकल अलाउड व्हाइल इन डेवलपमेंट मोड ओनली, यू डोंट नीड टू बी एडिट हियर, अच्छा डेवलपमेंट मोड के लिए अपने आप अलाउ कर रहा है, वेल, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है, दिक्कत बोल रहा है डेवलपमेंट मोड के लिए अलाउ कर रहा है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट साइड के लिए अलाउ कर रहा है, अपने को डालने की शायद जरूरत नहीं है, हाँ, तो आई गेस दैट्स इट, आई गेस एक बार फिर से सेटिंग पे आते हैं, हम लोगों ने अपने ऐप की वाला डाली ना मेन वाली, यहाँ
यहाँ पे वेबसाइट लोकल एचटीटीपी लोकल होस्ट 5000 बट ओके हाँ सही है, चलो ठीक है, ऐप आईडी और क्लाइंट आईडी तो मिल गई। तो उसने बोल रहा है कि तुम लोग जब डेवलपमेंट साइट पर, तो लोकल होस्ट क्यू आर डालने की जरूरत नहीं है, तुम लोग टेस्ट कर सकते हो, जब डिप्लॉय करेंगे तब शायद डालना पड़ता होगा। ठीक है आई गेस ये सब सही है, सब कर दिया हम लोगों ने राइट। तो चलो इसको फेसबुक पे बेसिकली रिक्वेस्ट करनी है हाँ, तो अपने को तो अपन उसके लिए होम पेज में आते हैं हम लोग रिएक्ट साइड में कंपोनेंट्स, और यहाँ पे आते हैं होम में, और यहाँ पे अपन जहाँ पे फेसबुक का डाला था यहाँ पे एच आर एफ कॉपी करते हैं, यहाँ अपन डाल लेते हैं। यार क्या यार इतना कितना आलसी हूँ यार मैं, HREF इक्वल टू स्लैश AUTH स्लैश FACE BOOK सेव कर रहा हूँ मैं इसको। ओके अब फाइनली फिंगर क्रॉस करते हैं और अपना सर्वर रिस्टार्ट करते हैं, npm run dev हाँ, तो एरर आएगा मेरे को लगता है। ओके सबसे पहले डेटाबेस में जाओ, यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड है डिलीट कर दो। ओके डिलीट कर दिया था क्या, ठीक है नहीं किया होगा तो कर देना ठीक है। न्यू यूजर अपन साइन अप करेंगे यूजिंग फेसबुक। ओके तो ये हो रहा है मेरे ख्याल से ऑथ। ओके सब सही है, प्रॉक्सी सेटअप हो गई है, इसको लोड हो जाने दो ठीक है। सेव किया ना हम लोगों ने प्रोजेक्ट को, सेव चेंजेस कर दो भाई, प्रोजेक्ट पूरा सेव होना चाहिए राइट, काम नहीं करेगा हाँ। तो लॉग इन विथ इंस्पेक्ट कर, यहाँ पे इंस्पेक्ट और यहाँ पे कंसोल खोल लेते हैं, अगर कोई एरर होगा तो पता चलेगा हम लोग को ठीक है। साइन अप विथ फेसबुक का क्लिक करते हैं। ओके सो फेसबुक पे रिडायरेक्ट हो गया है, डोंट शो नोटिफिकेशन, ब्लॉक कर इसको अभी के लिए। ओके इनवैलिड स्कोप प्रोफाइल, ओके ओके सो मैं फेसबुक पे लॉग इन हूँ, कैनोट लोड यू आर एल डोमेन ऑफ यूर इंक्लूड एप सब डोमेन लोड यू आर एल ओके Yep. So cannot load domain of this URL included in the app domain. Apps domain able to load URL add all domain subdomain of your app fields in your app setting. Okay. चलो कुछ और मतलब setting setup करना, error आ रहा है basically ठीक है। तो मतलब कुछ तो code लिखा है जैसे Facebook पे चले गया ठीक है। अब आई गया ऐसे यहाँ पे कुछ और setup करना है, मैं भी यहाँ पे डालने बोल रहा है कि app domain हाँ। आई एम नॉट श्योर यार, मैंने भी इसको टेस्ट नहीं किया है, साइट का तो डाल दिया है ठीक है, डाल लेते हैं यहाँ पे अगेन http://localhost5000 /local सेव चेंजेस करते हैं एक बार, लेट्स सी दिस अगेन ट्राई करेंगे। ओके अब सबसे पहले इसको क्लोज कर, रिएक्ट ऐप अगर अपने इस पे देखे तो इस पे कुछ आ रहा है क्या, इस पे कुछ नहीं आ रहा है। ओके ठीक है लोकल होस्ट, सबसे पहले तो लोकल होस्ट 5000 पे रख के टेस्ट करें, मे बी रिएक्ट का एरर आ सकता है। लोकल होस्ट ऑथ FACE BOOK फेसबुक ठीक है, इनवैलिड स्कोप प्रोफाइल ओके ठीक है। ओके इनवैलिड स्कोप प्रोफाइल ओके सो बस यही एरर आ रहा है मेरे ख्याल से, इनवैलिड स्कोप प्रोफाइल, स्कोप को हटा दो यहाँ पे। कहाँ है हमारा फेसबुक 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 फेसबुक, सबसे पहले देखें यूजर डेटाबेस में साइन अप हुआ है, उसके बाद देखते हैं तो डेटाबेस में गया है, पहुंचा है कि नहीं इज्जत से, नहीं पहुंचा है ठीक है, नहीं पहुंचा है तो साइन अप ही नहीं हुआ है ना क्योंकि ठीक है हाँ। तो कहाँ है हमारा ऑथ राउट्स, यहाँ पे प्रोफाइल हटा दो ठीक है, प्रोफाइल हटा दो ठीक है, सेविया में भी स्कोप देने की जरूरत नहीं आएगी सो ठीक है हटा दो, बिन मतलब का दे रहे हैं ठीक है, सेव कर देते हैं हाँ। सो अगेन मैं पहले से टेस्ट करके नहीं आऊँ, तुम लोग का साथ साथ करता हूँ इसलिए एरर्स आते हैं, समझते हो ना तो तुम लोग मेरी बात को। लोकल होस्ट ऑथ और यहाँ पे लिखते हैं FACE BOOK फेसबुक, डायरेक्टली अपन फेसबुक पे लॉग इन कर रहे हैं। ओके कंटिन्यू एज मुकेश, यस फिंगर क्रॉस कर लिए मैंने, साइन अप कर ले, एरर मत करना। ओके ऑसम, सो बेसिकली हम लोगों ने 5000 से रिक्वेस्ट भेजी थी, इससे 5000 पे रिडायरेक्ट हुआ ठीक है, 3000 से भेजेंगे तो रिडायरेक्ट पे रिडायरेक्ट होगा, ये एरर आना कम्प्लीटली ओके। हम लोग जानते हैं पहले भी इस टाइप के एरर आए हैं, डेटाबेस में देखें, फिंगर क्रॉस किया, सेव कर दो भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, यप ये पार्टी दो यहाँ पे, मेरा नाम हुआ है फेसबुक आईडी से सेव हुआ है। देखो बेटा फेसबुक हैक करने की कोशिश मत करना, बहुत मारूंगा मैं तुम लोग को ऐसा करोगे तो। लोकल होस्ट 3000 पे तो हम लोग ऑलरेडी लॉग्ड इन है, यस यस राइट, एक नंबर ब्यूटीफुल।
ऑलरेडी अपने को प्रोफाइल और ये दिख रहा है, अगर मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँ तो मे भी प्रोफाइल सेव नहीं हुई है यूजर की, या मे भी फेसबुक अच्छा प्रोफाइल हटा दिया ना इसलिए सेव नहीं हुई है। मे भी अगर डेटाबेस में देखे तो प्रोफाइल करके कुछ है नहीं हुआ है सेव, तो प्रोफाइल सेव नहीं हुई है बेसिकली। तो अपने गूगल करना पड़ेगा कि कैसे प्रोफाइल पिक्चर्स एक्सेस करते हैं, राइट। ओके सो गूगल करके फिर मैं बताता हूँ कैसे प्रोफाइल एक्सेस करना है। तो मिलता हूँ तुम लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी को कंटिन्यू करूंगा, पॉज कर रहा हूँ वीडियो में। मैंने गूगल किया और मैं ये तुम लोग को होमवर्क देने वाला हूँ, तुम लोग खुद रिसर्च करना है, टेस्ट करना है। बेसिकली लॉगिन तो तुम लोग सीख गए हो, ठीक है। तो बेसिकली गूगल किया तो इसका भी काम नहीं कर रहा, रिट्रीविंग फोटो यूजिंग, ठीक है। तो इसने कुछ लोगों ने सजेशन दिया है, एक ने बोला है कि देखो मैं यहाँ पे जब यहाँ पे ये जो फील्ड डालते हो उसमें प्रोफाइल फील्ड डाल सकते हो, जो जो एक्सेस करना है तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ठीक है। दूसरे ने बोला है कि यहाँ पे तुम लोग ग्राफ इसका यूज कर सकते हो, ग्राफ एपीआई का। तो यहाँ ग्राफ एपीआई और यहाँ पे पिक्चर और कुछ भी जो भी डायमेंशन का चाहिए और एक्सेस टोकन डाल सकते हो, जो भी एक्सेस टोकन मिल रहा है। देयर इज नो नीड टू यूज प्रोफाइल फील्ड। तो ये दोनों चीजें तुम लोग को ट्राई करके देखनी है कौन सा वर्कआउट कर रहा है, और कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं उस कमेंट को पिन करूंगा, ठीक है। ये होमवर्क दे रहा हूँ। चलो अपन अपना ऐप टेस्ट करके देखते हैं। तो लॉग इन है यूजर, तो मैं लॉग आउट करता हूँ, रिएक्ट साइड से टेस्ट करके देखते हैं। तो साइन अप विद फेसबुक करता हूँ, तो आई गेस ये काम नहीं कर रहा है रिएक्ट साइड से। सो मतलब प्रॉपरली रिक्वेस्ट नहीं जा रही है। ओके सो आई गेस यहाँ पे इसमें एरर है आई गेस, या तो इसको वापस से सुधारते हैं कंट्रोल जेड कर गूगल। और ये जो है मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ आल्ट शिफ्ट डाउन की, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं भी लाइक FACEBOOK फेसबुक। सेव करता हूँ मैं इसको, अगेन रिस्टार्ट करना पड़ेगा कि सर्वर, ठीक है रिस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। npm run dev, ओके। और यहाँ पे प्रॉक्सी 3 यहाँ पे दिखने चाहिए, यप 3 दिख रहे थे ना, राइट। ओके अब टेस्ट करके देखते हैं। सो साइन अप विद फेसबुक एंड साइन अप विद फेसबुक, ओके हो गया साइन। तो बेसिकली प्रोफाइल में देखेंगे तो सिर्फ मुकेश वानी दिख रहा है, राइट। ओके अगर अगर नोट जेस पे जाएं और यहाँ पे रिफ्रेश करें, राइट, तो दिखेगा अपने को। तो मैं पहले डेटाबेस डिलीट कर रहा था फिर टेस्ट कर रहा था, राइट। ओके सही है, 100% काम कर रहा है। तो बेसिकली ये अब तो एक कोडर्स नेवर क्विट नाम से हमारा, ये गूगल वाला है और ये फेसबुक वाला है, राइट। यप है ना, सही है ना, हाँ सही है, बहुत सही लॉजिक लिखा है, हाँ। तो यप, तो बेसिकली लॉग इन होने के बाद अपन वापस से, हम लोग लॉग इन हो रहा है क्या, हम लोग पहले से ही लॉग इन हो चुके हैं तो फिर से वो फेसबुक वाला पेज नहीं दिख रहा है, ठीक है। या तो ऐसे बिहेवियर है डिफॉल्ट, अगर एक बार अपन लॉग इन कर लेते हैं तो डायरेक्टली फेसबुक लॉग इन कर ले रहा है हमारे। देखो जैसे मैं यहाँ पे यहाँ से ये क्लिक करूंगा तो मैं गूगल से लॉग इन होगा, राइट। ये वाला गूगल वाला है ना, ये भी गूगल वाला है, ये फेसबुक वाला था। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखना लॉग इन हो जाएगा, तुरंत लॉग इन होगा, हो गया। अब लॉग इन होने के बाद ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये कर रहा है यहाँ ऑथ राउट्स में आओ और यहाँ पे बेसिकली ये कर दे रहा है प्रोफाइल राउट पे भेज दे रहा है। बट प्रोफाइल राउट में तुम लोग जानते हो ऐसा लॉजिक लिखा है कि वो वापस होम पे भेज दे रहा है, ठीक है ना। कहाँ गया हमारा प्रोफाइल, ये रहा, ओके यहाँ पे प्रोफाइल और ये वापस होम पे भेज दे रहा है, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। जब तक ये कैलकुलेट हो, है ना, और अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, तो अगर यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं प्रोफाइल, प्रोफाइल मुकेश बुलवानी सिर्फ दिखा रहा है, ठीक है। ओके एक और चीज मैं बता दूं, बेसिकली वीडियो पॉज करके मैं कुछ टेस्ट अप कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक तुम लोग जानते हो अगर रिडायरेक्ट कर जो करते हैं ना अपन, तो उसके लिए अपन ऐसे कर सकते हैं, और एक और तरीका है बेसिकली फेसबुक, और सेकंड ऑप्शन डाल सकते हो सक्सेसफुल रिडायरेक्ट का, ठीक है। ये भी करना कंप्लीटली लाइक वैलिड है, ठीक है। यप सो या दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से ऐसे भी कर सकते हो या इस तरीके से भी कर सकते हो। तो वीडियो पॉज करके ये लाइन कोड लिख रहा था, तुम लोगों ने शायद ये वाला कॉपी किया होगा, हाँ ऐसे 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 भी कर सकते हो, पर ये भी कर सकते हो अगर तुम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे अगर पासपोर्ट के, तो देखो यहाँ पे ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ गया एस डॉट रिडायरेक्ट, कहाँ गया, कहीं पे तो देखा था मैंने, नहीं लिखा है क्या, लिखा तो था, चलो नहीं लिखा है, ठीक है चलो। बट हाँ जो मैं बता रहा था, ये देखो ये रहा, ये देखो देखा यहाँ पे भी लिखा है प्रोफाइल फील्ड में क्या एक्सेस करना, ठीक है। उसके बाद कॉन्सोल डॉट लॉग करवा के देखना, ठीक है। तो फोटोज तो तुम लोग को थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च करना पड़ेगा रेस्पेक्टिव स्ट्रेटजी के हिसाब से, क्या बेसिकली अगर लिंक्डइन से साइन अप करवा रहे हो, गूगल से साइन अप करवा रहे हो, तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन डिग करना पड़ेगा तुम्हें, और यस डॉक्यूमेंटेशन डिग करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी क्या क्या लिखा है, फेसबुक मैनेज पेजेस, ओके ये सब नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो यस हमारा काम तो कर रहा है ना, गूगल फेसबुक से काम कर रहा है सक्सेसफुली, हमारा नाम स्टोर कर रहा है, राइट। ओके यप सो तुम लोग को
फोटो वाला होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देखना है, थोड़ा सा स्टैक ओवरफ्लो देखना है, ऐसे ही तुम लोग रिसर्च करोगे और सीखोगे राइट। इसमें ये इस सॉल्यूशन मेरे को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है एक्सेस टोकन से डायरेक्ट। आई एम नॉट श्योर कि ये काम करेगा कि नहीं, बट अगेन तुम लोग को टेस्ट करना है ठीक है। सो अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, डिप्लॉय करेंगे एप्लीकेशन को। ओके सो यप, सो टेस्ट करके देख लिया ना हम लोगों ने, लॉगआउट कर लेते हैं यप। हाँ तो सही है, अब अगर गूगल साइन अप करो तो गूगल से भी कर सकते हैं, अगेन कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, पहले भी कर चुके हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं। अगेन वापस प्रोफाइल पेज पे रिडायरेक्ट करेगा और प्रोफाइल को होम पेज पे भेज देगा। हाँ बिल्कुल सही है, गूगल में प्रोफाइल दिख रही है नहीं दिख रही है, लॉगआउट कर लेते तो सब परफेक्ट है, दोनों फीचर मैंने डाल दिए, बस फेसबुक में प्रोफाइल नहीं दिख रही है, वो तुम लोग को मैं टास्क दे रहा हूँ ठीक है। ओके सो मिलता हूँ तुम लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।